आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और गुरुवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज पूरा दिन पार करके भोर 4:40 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:14 तक सिद्ध योग रहेगा। इस योग के दौरान जो भी कुछ सीखना शुरू किया जाए उसमें सफलता अवश्य मिलती है। साथ ही आर्थिक रूप से लाभ और मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 10:41 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा। कुल 27 नक्षत्रों की श्रेणी में कृतिका तीसरा नक्षत्र है। कृतिका का अर्थ होता है कार्य करना। कृतिका नक्षत्र अग्नि तत्व का प्रतीक भी है क्योंकि इसके देवता अग्निदेव हैं। इसके अलावा कृतिका नक्षत्र के दौरान गायत्री मंत्र का पाठ करना भी लाभदायक सिद्ध होता है। गायत्री मंत्र आप जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वहीं वनस्पतियों में कृतिका नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है और जिस व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ हो उस नक्षत्र के दौरान व्यक्ति को संबंधित नक्षत्र से जुड़े पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। लिहाजा कृतिका नक्षत्र के दौरान जन्मे लोगों को आज गूलर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और गूलर के पेड़ टहनियों पत्तियों या उसके फल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कृतिका नक्षत्र के दौरान ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा सिद्ध योग और कृतिका नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले प्रदोष व्रत की। आप जानते हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान शंकर को समर्पित प्रदोष व्रत करने का विधान है। याद दिला दूं कि त्रयोदशी तिथि में रात्रि के प्रथम प्रहर यानी दिन छिपने के तुरंत बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं और प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। अलग अलग वार को पढ़ने से प्रदोष का नामकरण भी अलग अलग किया जाता है। जैसे सोमवार को प्रदोष व्रत किया जाता है तो सोम प्रदोष कहलाता है, वैसे ही आज गुरुवार का दिन होने से आज गुरु प्रदोष व्रत किया जाएगा। गुरु प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है, साथ ही कर्जे से भी मुक्ति मिलती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव भक्तों में इस व्रत का काफी महत्व है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। आज स्नान आदि के बाद सबसे पहले भगवान शिव की बेलपत्र गंगा जल अक्षत और धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए और फिर संध्या के समय यानी प्रदोष काल के समय भी पुनः इसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा आदि करता है और प्रदोष का व्रत रखता है वो सभी बंधनों से मुक्त होकर सभी प्रकार की सुख समृद्धि को प्राप्त करता है और उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा गुरु प्रदोष व्रत की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले विशेष उपायों की, जिन्हें करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे। मानसिक रूप से शांति प्राप्त करने के लिए और अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा की बढ़ोतरी के लिए आज स्नान आदि के बाद भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर के आगे आसन बिछाकर बैठ जाएं। मूर्ति स्थापना और आसन बिछाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आसन पर बैठते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और भगवान की प्रतिमा ठीक आपके सामने होनी चाहिए। इस तरह सब अच्छे से व्यवस्थित होने के बाद केवल ओम शब्द का तेज आवाज में गहरी सांस लेकर 11 बार उच्चारण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी और आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा की बढ़ोतरी भी होगी। अगर आप अपने शत्रुओं को परास्त करना चाहते हैं और मुकदमे में जीत हासिल करना चाहते हैं तो शत्रुओं को परास्त करने के लिए और मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए आज शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं। अगर ऐसा संभव न हो तो घर पर ही शिव प्रतिमा या तस्वीर पर धतूरा अर्पित करें। साथ ही शिव जी के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम ईशानाय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने शत्रुओं पर विजय मिलेगी और साथ ही मुकदमे में जीत भी हासिल होगी। अगर आप अपना मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं या आपकी पहले से शादी हो चुकी है लेकिन उसमें बिल्कुल भी प्यार नहीं है तो शादी में प्यार कायम करने के लिए आज आपको दूध में थोड़ा सा केसर और सफ़ेद फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। अगर आपको हर समय किसी न किसी चीज़ का भय बना रहता है तो इससे बचने के लिए आज बालू राख गुड़ और मक्खन मिलाकर शिवलिंग बनाएं और उसका विधि विधान से पूजन करें। फिर शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।
पूजा समाप्त होने के बाद उस बालू राख से बने शिवलिंग को कहीं एकांत जगह पर रखें, शुद्ध पवित्र साफ जगह पर। आज के दिन ऐसा करने से आपको कभी किसी चीज का भय नहीं होगा और आप स्वयं के अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। कुछ शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार बालू राख आदि से बने शिवलिंग को नदी में या किसी जलाशय में विसर्जित करना चाहिए। आपको जैसा उपयुक्त अवसर हो वैसा कीजिए। बस शिवलिंग के विसर्जन में शिवलिंग का अपमान नहीं होना चाहिए, यानी उसे किसी शुद्ध जगह पर ही विसर्जित करना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए आज रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग लेकर शाम के समय शिव मंदिर जाकर उन रंगों से छोटी सी गोल आकृति में रंगोली बनाएं। अब इस रंगोली के बीचों बीच में घी का दीपक जलाएं और अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए भगवान से प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में निश्चित बढ़ोतरी होगी। अगर आप सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं और आपका बहुत दिनों से प्रमोशन रुका हुआ है तो नौकरी में जल्द ही प्रमोशन पाने के लिए आज प्रदोष व्रत के दिन 1.25 किलो साबुत चावल लेकर उनमें से कुछ चावल शिव मंदिर में चढ़ाएं और बाकी चावलों किसी जरूरतमंद में बांट दें। आज के दिन ऐसा करने से नौकरी में जल्द ही आपका प्रमोशन होगा। अगर आप कर्ज की किस्तों से परेशान हैं तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए और साथ ही अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए आज भगवान शिव और माता पार्वती के सामने घी का दीपक जलाएं और किसी मिठाई का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको कर्ज की किस्तों से जल्द ही छुटकारा मिलेगा और साथ ही आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए और एक बेहतर जीवन के लिए आज आप स्नान आदि रोजमर्रा के कार्यों से निवृत्त होकर अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाएं और वहां जाकर शुद्ध जल में दूध और गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही भगवान से अपने अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और जीवन भी बेहतर हो जाएगा। अगर किसी कारणवश आपके मनपसंद विवाह में लंबे समय से अड़चने आ रही हैं तो उन अड़चनों से मुक्ति पाने के लिए आज स्नान आदि के बाद शिव जी को प्रणाम करें और उनके सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं, फिर शिव जी के मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। आज इस मंत्र का 51 बार जाप करें। साथ ही जप पूरा होने के बाद भगवान शिव को पुष्प अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके प्रेम विवाह में आ रही सारी अड़चने जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। अगर आपके घर की सुख समृद्धि को किसी की नजर लग गई है तो उस बुरी नजर से अपने घर को बचाने के लिए आज हाथ में जौ का आटा लेकर भगवान शंकर के चरणों से स्पर्श कराएं। बाद में उस जौ के आटे की रोटियां बना लें और गाय के बछड़े या बैल को खिला दें। आज ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि को किसी की नजर नहीं लगेगी। अपने घर के सदस्यों की खुशहाली के लिए, उनकी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं और धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें। अगर संभव हो तो शाम के समय भी फिर से स्नान आदि करके साफ कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाएं। अगर दोबारा स्नान नहीं कर सकते तो केवल हाथ पैर धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर मंदिर में जाएं और वहां जाकर ठीक सुबह की तरह धूप दीप आदि से भगवान शंकर की पूजा करें। अगर दोनों समय मंदिर जाकर पूजा करना आपके लिए संभव नहीं है तो केवल शाम के समय मंदिर जाकर पूजा करें और सुबह घर पर ही भगवान का आशीर्वाद ले लें। आज इस प्रकार भगवान की पूजा करने से आपके परिवार में खुशहाली हमेशा बनी रहेगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं तो आज स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर जल में थोड़ा सा गाय का दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव के मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम अघोराय नमः। आज इस मंत्र का 21 बार जाप करें। साथ ही जप पूरा होने के बाद अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती भी करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुख से भरा रहेगा। तो ये थी चर्चा आज गुरु प्रदोष व्रत की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।